नमस्कार श्रीमान। नमस्कार नमस्कार। हाँ, क्या शुभ नाम है आपका? श्री कृष्ण तुकाराम बिजवे। श्री कृष्ण भाव, हमने अभी अभी आपको देखा कि आप किसी प्रकार का काढ़ा बना रहे थे खुद खड़े रहकर, तो कृपया हमारे दर्शकों को जानकारी दीजिए कि ये किस प्रकार का काढ़ा बना रहे थे आप, क्या काम में आता है, उसमें क्या क्या सामान डाला जाता है, कृपया थोड़े में सब बताइए। वो काढ़ा इसलिए पीते है हम क्योंकि उसके बुखार बुखार आते नहीं है। कड़ू जीरा, तुम्हारा जष्टबान, उसके बाद में न्यूड़म, भुई नीम, उसमें खारीख और तुम्हारे ये जीराई, ये अगर सारा आइटम मिला के और उसमें तुलसी के पत्ते, तुम्हारे पपई के पत्ते, ये सारा मिक्स करके और चार पांच आइटम और उसमें वो मिला के ये काढ़ा बनाते हम, हमारे लिए बनाते। इससे हमें, हम ये काढ़ा लेते रहते, बुखार बुखार आता नहीं इससे। यानी इससे हमारे घर के अंदर हमारे नाती को कोविड हो गया था, वो कोविड हमने एक काढ़े से बिठाया। हमारे भाई को कोविड हो गया था तो भी काढ़े से बिठाया। ये इतना रामबान काढ़ा है हमारे लिए, हम यूज करते हैं इसके लिए। हमारे माँ बाप पूर्वज ने हमको सिखाया, हम इसका यूज करते। तो एक बात और पूछना चाहूंगा विजय जी, ये आपके ज्ञान का फायदा दूसरे को मिले ऐसा कुछ करते हैं क्या, बेचते वगैरह है क्या? क्या जानते, लोगों को सैंपल पिला देंगे भाई, और क्या कर सकते, सिर्फ सैंपल ही देंगे सैंपल। और उसको बनाने को खर्चा तो लगना ही है कि नहीं? हाँ हाँ। उसके पीछे यानी 5 लीटर पानी रखो, हाँ, उसको 3 लीटर आउटाओ, 2 लीटर रखो, उसके लिए ये मटेरियल दिक्कत लाओ, खरीद ये वो सारा सामान महंगा है, तो हमारे सैंपल पिला। ये बना कितना है और कितना खर्चा आ गया आपको? इसका खर्चा आ गया मेरे को 400 रुपए। 400 रुपए खर्चे में कितना बन गया? 400 रुपए का मटेरियल हो गया। हाँ। और वो बनाने के में गैस वगैरह ये वो, हाँ, ये वो जल गया। 100 रुपए। हाँ। 5 लीटर का 3 लीटर 2 लीटर उतारना पड़ा, यानी आधा एक घंटा एक शरीर का गैस जलाना पड़ता। अच्छा, एक तो 3 लीटर बना। 3 लीटर। अच्छा, 3 लीटर को 400 रुपए खर्चा है, 500 रुपए खर्चा, 400 500 रुपए खर्चा, बराबर। तो आप कभी भविष्य में कोई आपके पास में आया मिलने तो आप देंगे उसको? वाह वाह, क्यों नहीं देंगे। कड़ू है, कड़ू बहुत है, यानी इससे कावीड़ तो क्या, मैं तो ये बोलता कि मैंने घर के तो कावीड़ बिठाया, लेकिन मैं बोलता कि शुगर वाला भी अगर लेके देखे, कड़ू इतना है कि मुंह में रखे नहीं जाता। ये सिर्फ कड़ू ही जंतु को मार सकता है, कड़ू में पावर है। क्योंकि पुराने लोगों को मालूम है कि कड़ू जीरा से बुखार निकलता है हड्डी का, इसमें सोप है ठंडी, यानी कोई चीज गर्म है तो कोई चीज ठंडी भी है, खारी है प्रतिकार शक्ति बढ़ाने की, पपई के पत्ते है पेशी बढ़ाने के लिए, यानी ऐसे सारे आइटम मिला के एक काढ़ा बनाया। और मैं बहुत दिन से ले रहा, कई सालों से बोला तो चलता, और बच्चों को भी पिलाता। तो इसको ऐसा बोल सकेंगे अपन कि आपकी सेहत का राज इसी में है?